बाबा मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आप जो कुछ भी हैं आप उन्हीं भैया की वजह से ही तो हैं। आज वो ढाबा आपका चल नहीं रहा था, आप वीडियो में आप रो रहे थे कि मेरा मटर पनीर नहीं बिके हैं, और जब मटर पनीर की छोड़ो बात, लोगों ने इतनी हेल्प करी कि आप यहाँ ये रेस्टोरेंट कर लिए, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ था। अगर वो नहीं आते तो आप मटर पनीर बिक ही नहीं रहे होते आपके वहाँ पे। अच्छा, आप तो कह रहे थे गबन किया सच्चाई है, अब आप सर आंखों बोल रहे हैं। समझाइए, मैं तो समझ रहा हूँ, समझाइए। जब आप मुझे दे रहे हो बाबा ये 2,30,000 चेक है, हम दे दिए। अच्छा, आप अपने अकाउंट की जानकारी शेयर की है टीवी के ऊपर कि आपके अकाउंट में कितना आया, लोगों ने कितना दिया? ना, हो गया। नहीं, आपने कहाँ, आपने तो आपका तो अकाउंट ही सीज हो गया था। हो गया था, आप हो गया। देखो, वो जो जिन्होंने आपकी वीडियो बनाई थी उन्होंने तो टीवी पे आके कहा कि भाई हम तो इतना आया, इतना मैंने बाबा को दिया, मेरा सारा चेक करा लो, सब चीज़ कर लो, उन्होंने तो खुल के कह दिया। लेकिन आपने आज तक नहीं बताया कि लोगों ने आपकी कितनी मदद की और आपके पास कितनी मदद आई है। आपको नहीं पता है आपने रेस्टोरेंट खोला कैसे खोल लिया फिर? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी पैसे से तो होगा एकदम से। आप अरे एकदम से पैसा कहाँ से आ गया आपके पास रेस्टोरेंट के लिए? ये मालवीय नगर है, मालवीय नगर तो बहुत पॉश इलाका है, यहाँ पे तो एक छोटी सी दुकान की भैया 25-30 हज़ार रुपये मुझे लगता है। अरे भाई मुझे मालूम है, ये कम से कम मैं समझ रहा हूँ 1,00,000 रुपये किराया होगा इसका। तुम कितना है किराया? 35,000। 35,000 मतलब, चलो मैं 35 भी मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी आप मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं, मैं लाइव करता हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मैं लाइव करता हूँ, मुझे लाइव के नाम से जाना, मैं लाइव करता हूँ और एडिटेड नहीं करता हूँ। लोग एडिटेड करते हैं, एडिट करके डालते हैं, पता नहीं क्या अपनी तरीके से लोग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन मैं कभी एडिटेड वीडियो नहीं, मैं केवल लाइव करता हूँ। आपकी मेरी जो बात हो रही होगी वो एकदम क्लियर होगी, उसमें मैं आपका कुछ काट नहीं सकता, अपना कुछ बढ़ा नहीं सकता हूँ। चोरी? अब चोरी तो बाबा सबने की है, अगर मैं अच्छे काम के लिए चोरी, मैं तो यहाँ आया था, मैं ये देखने आया था बाबा का ढाबा कैसा चल रहा है, पर लोगों ने ये बताया कि बाबा का ढाबा तो हो गया बंद, मतलब वहाँ भी आपका ढाबा आज भी है लेकिन वो उसमें तो पड़ा है ताला, यहाँ खुल गया रेस्टोरेंट। तो देखिए, हम देखिए आपने जो किया है ना बाबा, आपने जो किया है उसकी वजह से पता है क्या हुआ है देश के अंदर, मदद करने वाला अब सोचने लगा है कि कैसे मदद करें, कहीं ये सामने जो जिसको मदद की ज़रूरत है कहीं वो बदल तो नहीं जाएगा, कल को मेरे ऊपर तो नहीं आरोप लगा देगा, बाबा का ढाबा जैसे नहीं निकल आए लोग जो डोनेशन दे रहे हैं, और हम जैसे लोग जो दूसरों की मदद करने का एक माध्यम बन रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि कल को हमारे ऊपर कीचड़ ना आ जाए और हमारे ऊपर आरोप ना लग जाए। तो ये पता है क्या हुआ है, आज लोग मदद करने से डर रहे हैं एक दूसरे की, ये बहुत गंदा मैसेज गया देश के अंदर। सुना तो ये मैं देखिए आपकी भी कह रहा हूँ और उन भैया की भी, मैं आप दोनों की कह रहा हूँ, जो देखिए आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, आपने कहा वो अपनी सफाई दे चुके हैं टीवी पे, आप अपनी सफाई दे रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं सारी बात जानता हूँ, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रहा है बाबा का ढाबा पार्ट टू आज जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो साफ दिख रहा है। मालवीय नगर इतने पॉश इलाके में आपका ये रेस्टोरेंट है, वो कहीं ना कहीं उस शख्स की वजह से है जिसने आपकी मदद करने के लिए आया, और आप कह रहे हैं कि भाई उसने तो मेरे साथ गबन कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। कहाँ गलत कर दिया भाई? आज आज आप लोगों ने आपकी वजह से आज हम जैसे लोगों के ऊपर लोग हमसे अकाउंट हम तो दे देते हैं, लेकिन फिर भी लोग और जो लोग डोनेशन करते थे, जो मदद जिन लोगों को चाहिए थी उनको मदद करने से लोग डर रहे हैं कि ये बदल ना जाए, तो फिर ये बहुत गलत हुआ है बाबा। मैं गलत कह रहा हूँ बताइए? नहीं, मैं तो खाना खाऊंगा, पैसे दूंगा आपको जितने का आपका है। मैंने आपसे चिली पटेटो पूछा, आप 90 रुपये का है, कितने का है? 90 रुपये का बताया मुझे। मैं जो जितने का खाऊंगा मैं आपको पैसे दे के जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। क्या पैसे? नहीं, पैसे क्यों नहीं बोलेंगे, आप बैठे क्यों हैं फिर? फ्री में तो खिलाएंगे नहीं मुझे आप? अरे आप बात कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने जो किया है वो बहुत गलत किया है, आज देश में ये संदेश गया है, इतना बहुत गलत संदेश गया है। जब सामने वाले को ज़रूरत होती है ना, उसको लोग देने से पहले सोचते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं, और इसीलिए मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि मैं तो एनजीओ चला रहा हूँ, खैर
ठीक है, हमारा तो सारा रिकॉर्ड जाता है, हमारा बाकायदा आईटीआर वगैरह सब जमा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो रिकॉर्ड भी हमें देना पड़ता है। बन गया, चलिए मैं खाता हूँ। अरे दादा, नोएडा में 30 रुपए में थाली दे रहे हैं, भर पेट खाना। बीए मैं उसकी भी लाइव कर रहा हूँ एक आध दिन में, वो बच्चा, वो लड़का बीए किया हुआ है, बिहार से आया है। आप 50 से दे रहे हो, 30 में दे रहे हो, ये कोई इसमें कहने वाली क्या बात है? आप वहां ढाबे पे काम करते थे और आज आप कस्टमर से बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने आपसे कहा मैगी में कोई गड़बड़ है, मैं मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो आपने क्या कहा? जाके उनसे कहो आप कस्टमर से बात करने तैयार नहीं है। जब ढाबे पे थे तब कैसे कर रहे थे आप? उनसे क्यों बोलूंगा, वो तो किचन में बैठे, मैं किचन में कैसे चला जाऊं? मैं तो मालिक से कहूंगा ना, रेस्टोरेंट के मालिक से कहूंगा मैं। आप बात करने तैयार नहीं है कस्टमर से आज। कितना बदलाव आया, मैं बाबा का ढाबा दे सोच के आया, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तस्वीर है बाबा। बाबा बुजुर्ग जो होता है ना, बुजुर्ग से हम सीखते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या लेके जा रही है आपसे, क्या ले रही है? बुजुर्गों से हम लोग सीखते हैं, हम नौजवान सीखते हैं बुजुर्गों से, बुजुर्ग हमें शिक्षा देते हैं। और आपने हमें क्या दिया है, इस देश को आपने क्या दिया है, क्या दिया इस देश को? इस देश को आपने शक होता है, एक शक वो पैदा कर दिया लोगों के मन में आपने शक पैदा कर दिया। मैं आपको ये कहना नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं, मैं दिन भर ना जाने कितने लोगों की मदद करता हूं ना। और मेरे पास कल परसों में एक महिला थी जिसका पैर बिल्कुल कटा हुआ था, 2-3 दिन हो गए इस बात को, एक पैर कटा हुआ था, वो कह रही मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं काम करूंगी, और मैंने उसकी मदद करी। उसमें किसी ने व्यंग के तौर पे कमेंट किया, कुछ किया था, और उसमें लाइक बाबा का ढाबा उसमें मेंशन कर दिया। उसका क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब हुआ, मानवता खत्म हो गई। मानवता जो आपके रूप में उभर कर आई थी देश के अंदर, देश विदेशों में जाने कहां कहां आप लोग को, आपको लोग जान गए थे, बच्चे बच्चे की जुबान पे आपका नाम था बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा हमारे नाम जुबान पे नाम था, लोग आपको जान गए थे। आपने एक देश के अंदर एक नई चीज पैदा की थी, मुझे बड़ी खुशी थी कि सोशल जो चैन है जो बनी है ये आगे तक जाएगी और एक बहुत अच्छा देश के अंदर एक मैसेज देगी, देश में लोग एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे। पर आपने वो चैन वहीं की वहीं तोड़ दी, और इस तरह से तोड़ी कि वो दोबारा शायद जुड़ भी नहीं सकती है, वो शायद जुड़ भी नहीं सकती है। आपने बहुत गलत किया बाबा, आपने बहुत गलत किया है। आपने बताया, आपने कहा कि उन्होंने नहीं बताया अकाउंट का, आपने बताया आपके पास कितना आया, आपने बताया? आपने नहीं बताया ना, फिर कैसे कह सकते हैं आपके वो विश्वासघाती है, और विश्वासघाती आप नहीं है, बताइए। मैं बहुत खुश था जिस दिन आपकी वीडियो चली थी, मैं बहुत खुश था, और मुझे लग रहा था कि आज देश के अंदर एक नई चीज उभर के आई है और लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, लोग आगे आने लगे हैं, मेरा देश बदल रहा है। पर आपने तो देश को बदल के रख दिया बाबा, कहां जुड़ रही है, आपने देश को बदल के रख दिया। हम सोच रहे थे कि मेरा देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, आपके पास सेल्फी लेने की लाइन लग रही थी, और आप देख लीजिए आपका रेस्टोरेंट आज खाली है। आप इसको 5 स्टार बना लीजिए, फिर भी आपका रेस्टोरेंट खाली है, क्यों है ये बात जानी है? आपने अपने मन से पूछा, दिल से पूछा आपने? कोई बात नहीं, जिसने आपका साथ दिया वो कैसे फूट फूट का टीवी पर रोया था।